हालात फाड़ में जाएं, मैं अवसरों का निर्माण करता हूं। एक आसान जीवन जीने के लिए प्रार्थना मत करो, ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना करो जिससे एक कठिन जीवन जी सको। खुश रहो लेकिन कभी संतुष्ट मत रहो। शक करने वाले बोले, आदमी उड़ नहीं सकता। काम करने वाले बोले, हो सकता है लेकिन हम प्रयास करेंगे। और आखिरकार एक चमकती सुबह वह ऊपर उड़ गए और शक करने वाले नीचे से देखते रह गए। अमरता की कुंजी पहले एक यादगार जीवन जीने में है। जीवन की लड़ाई में हमेशा शक्तिशाली या तेज व्यक्ति नहीं जीतता, बल्कि अभी या बाद में जो जीतता है वो होता है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। हार क्या है? शिक्षा के अलावा कुछ नहीं, कुछ बेहतर करने के लिए पहले कदम के अलावा कुछ नहीं। समय बिताना, इसे एक खास ढंग से बिताना है। समय बर्बाद करना, इसे बिना सोचे समझे और लापरवाही से खर्च करना है। हम सबके पास बिताने के लिए या बर्बाद करने के लिए समय है। अब ये हमारा फैसला है कि इसके साथ क्या करना है। लेकिन ये एक बार गुजर गया तो हमेशा के लिए गुजर गया। हमेशा अपने वास्तविक रूप में रहो, खुद को व्यक्त करो, स्वयं में भरोसा रखो। बाहर जाकर किसी और सफल व्यक्ति को मत तलाशो और उसकी नकल मत करो। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं, यदि आपके पास उसे स्वीकारने का साहस हो। अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो वक्त बर्बाद मत करें, क्योंकि ये वक्त ही है जिससे जिंदगी बनी होती है। बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता, इसीलिए बहते रहो। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद हमारा काम प्राकृतिक, कौशलपूर्ण, तेज और नियमित हो जाता है। कल की तैयारी आज का मुश्किल काम है। मैं उस शख्स से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस शख्स से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। जब तक आप हिम्मत नहीं हारते, आपको कोई हरा नहीं सकता। ध्यान रहे कि सबसे कठोर पेड़ सबसे आसानी से टूट जाते हैं, जबकि बांस या विलो हवा के साथ मुड़कर बच जाते हैं। पानी की तरह बनो। जैसे पानी दरारों के माध्यम से भी अपना रास्ता बनाता है, कठोर मत हो, चीजों के साथ समायोजित हो और आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। यदि आपके भीतर कुछ कठोर नहीं है तो बाहर की चीजें स्वयं प्रकट होंगी। अपने मन को खाली करो, निराकार बनो, पानी की तरह। यदि आप एक कप में पानी डालते हैं तो वह कप बन जाता है। यदि आप बोतल में पानी डालते हैं तो वह बोतल बन जाता है। आप इसे चायदानी में डालते हैं तो यह चायदानी बन जाता है। अपने दिमाग को उन चीजों पर केंद्रित करें जिसे आप चाहते हैं, और उन चीजों से हटाएं जिसे आप नहीं चाहते। मैं इस दुनिया में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं हूं, और आप इस दुनिया में मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं हैं। अगर मैं कहूं कि मैं अच्छा हूं तो शायद तुम कहोगे कि मैं घमंड कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं अच्छा नहीं हूं तो तुम जानते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर आप एक चीज के बारे में सोचने में ज्यादा समय खर्च करते हैं तो आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरों की आलोचना करना और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बहुत आसान है, लेकिन खुद को जानना पूरी जिंदगी ले लेता है। ईश्वर कहीं और नहीं होते, बल्कि वो हमारे अंदर ही होते हैं। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे कहीं अधिक
एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। ज्ञान आपको शक्ति देगा, परंतु चरित्र सम्मान देगा। आत्मसात करे जो उपयोगी है, त्याग दे जो अनुपयोगी है, उसे जोड़ें जो विशिष्ट रूप से आपका अपना है। किसी चीज को जानना काफी नहीं है, हमें उसे लागू करना चाहिए। इच्छा करना काफी नहीं है, हमें इसे पूरा करना चाहिए। जो अनजान है कि वे अंधेरे में चल रहे हैं, वे कभी भी प्रकाश की तलाश नहीं करेंगे। यदि आप तैरना चाहते हैं तो पानी में कूदें। सूखी जमीन पर मन का कोई भी चिंतन आपकी मदद करने वाला नहीं है। मैं अब स्वर्ग नहीं मानता, इससे भी महत्वपूर्ण, मुझे अब नरक से डर नहीं लगता। मेरे दुख की दवा मेरे भीतर शुरू से ही थी, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया। मेरी बीमारी खुद के भीतर से आई, लेकिन मैंने उसे नहीं पहचाना। अब मैं देख रहा हूं कि जब तक मोमबत्ती की तरह मैं खुद के ईंधन का उपभोग नहीं करूंगा, तब तक मुझे प्रकाश नहीं मिलेगा। अतिरिक्त प्रयास करने को अपनी रोज की आदत का हिस्सा बना लें। कभी भी मुसीबत को तब तक मुसीबत में न डालें जब तक मुसीबत आपको मुसीबत में न डालें। मैं जानबूझकर कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा और न ही आसानी से अपमानित होऊंगा। सफल योद्धा औसत आदमी होता है जिसके पास लेजर जैसा फोकस होता है। जीवन में ठहराव नहीं होता, इसकी गति निरंतर और बिना लय के होती है। जैसा कि हम निरंतर परिवर्तन करते हैं, चीजें चलती रहती हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं ताकत बढ़ती है। चीजों को ऐसे ही ले जैसी वे हैं। जब घूसा मारना हो तो घूसा मारे, जब लात मारनी हो तो लात मारे। वास्तविक जीना दूसरों के लिए जीना है।